हेलो एवरीवन, दिस इज हिमांशु अगेन। एंड जैसा कि हमने लास्ट वीडियोस में देखा, हम धीरे 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 चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि धीरे धीरे चीज़ें लेके जाऊँ, क्योंकि एकदम से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स समझाना और आपके लिए समझना थोड़ा सा हो सकता है कन्फ्यूजिंग हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो एक जगह मिलते हैं। तो इस स्पेसिफिक वीडियो के अंदर हम आगे के कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसा आपने टाइटल में देख ही लिया, कंडीशनल एक्सेस एंड कंप्लायंस पॉलिसीज। लेकिन उससे पहले रिव्यू कर लेते हैं हमने अभी तक क्या क्या किया है। तो रिकैप में हमने सबसे पहले कुछ एक बेसिक टॉपिक्स कवर किए हैं, जैसे कि MDM क्या है, डिवाइस एनरोलमेंट क्या है, एनरोल कैसे करते हैं, एंड्रॉयड डिवाइसेज, iOS डिवाइसेज, विंडोज डिवाइसेज। सो इसके बाद हम धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एनरोलमेंट पार्ट अब ख़त्म हो गया है। हमें पता लगे डिवाइसेस को एनरोल कैसे करना है, अब उन्हें मैनेज कैसे करना है। अब यहाँ पर एक्चुअल में इनट्यून की फुल पावर आप देख सकते हो। सो अगेन, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी लॉन्ग, सो ग्रैब सम पॉपकॉर्न एंड लेट्स लर्न समथिंग न्यू। सो सबसे पहले तो ये समझना बहुत मुश्किल है कि कंडीशनल एक्सेस क्या है और वो कैसे काम करती है कंप्लायंस पॉलिसी के। अब ये तो एक स्टेटमेंट है, कंडीशनल एक्सेस वर्क्स विद कंप्लायंस पॉलिसी। तो अगर आपको कंप्लायंस पॉलिसी याद हो पिछली कुछ वीडियोस में, अगर नहीं आ तो प्लीज़ वापस जाके वो वीडियो देखिए। मैं क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ। कंप्लायंस पॉलिसीज वो होती हैं जो प्री रेक्विजिट्स होते हैं एक डिवाइस के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल दिया था कि अगर मुझे बिल्डिंग के अंदर एंटर करना है, आपका फर्स्ट डे है जॉब पे, तो कंपनी आपसे कुछ चीज़ एक्सपेक्ट करती है, जैसे कि आप फॉर्मल्स पहन के आए, टाई पहन के आए, वगैरह वगैरह। वो कंप्लायंस पॉलिसी है कि आपको कंपनी के अंदर एंटर करने से पहले ये सब चीज़ें कंप्लाई करनी है, ठीक है। सो ये हो गया कंप्लायंस पॉलिसी। अब कंप्लायंस पॉलिसी के साथ आ जाता है कंडीशनल एक्सेस। ये दोनों चीज़ें सेम लगती हैं बट डिफरेंट है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज कंडीशनल एक्सेस। कंडीशनल एक्सेस नाम से थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग गया होगा कि इसकी कुछ कंडीशंस होंगी आपको एक्सेस देने के लिए। कुछ कुछ कंप्लायंस पॉलिसी जैसा ही है ये, ठीक है, बट कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी डिफरेंट है। कैसे? कंप्लायंस पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ चेक करती है आपके डिवाइस को, कि आपका डिवाइस में एंटीवायरस है कि नहीं है, कि आपका डिवाइस एक स्पेसिफिक वर्जन ऑफ विंडोज यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्या उस पर एंटीवायरस है कि नहीं है। कंडीशनल एक्सेस ऑन दी अदर हैंड, ये आपके एक्चुअल डेटा को एक्सेस देने के लिए कुछ कंडीशंस मांगता है। फॉर एग्जांपल, आपका डिवाइस कंप्लायंट होना चाहिए अगर आपको डेटा एक्सेस करना है तो। कंफ्यूज्ड? नो प्रॉब्लम, मैं आपको अभी आगे एक डायग्राम के थ्रू बताऊंगा। दोबारा से बता देता हूं, अगर आपको डेटा को एक्सेस करना है तो आपको अपने डिवाइस को कंप्लायंट बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने पर्सनल लैपटॉप से कंपनी का कुछ बहुत सेंसिटिव डेटा एक्सेस करना चाहते हो तो कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी को हम यूज कर सकते हैं। कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी वो सिक्योरिटी गार्ड है जो वहां पर खड़ा रहेगा, वो आपको पहले रोकेगा आपके डिवाइस को कि एक मिनट रुको, ये बताओ क्या आप कंप्लायंट हो के नहीं हो, मतलब क्या जो कंप्लायंस पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटर ने लगाई है क्या आप उसको पूरी तरह से फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। कंप्लायंस पॉलिसी में कुछ भी हो सकता है, उसका काम ये नहीं कंप्लायंस पॉलिसी में क्या क्या, उसका सिर्फ ये काम है क्या आपके पास कंप्लायंस पॉलिसी है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप रोड पे जा रहे हो एंड आपको पुलिस वाले ने रोक लिया, है ना, और पुलिस वाले ने कहा आप अपना लाइसेंस दिखाओ। अब उस पुलिस वाले का काम ये नहीं है कि आपको कौन कौन सी गाड़ियां आती है, आपका ड्राइवर लाइसेंस कहां पर बना था, क्या बना था। आपके पास लाइसेंस है, बस लाइसेंस वो एक एफिडेविट टाइप बन गया, एक ऐसा फाइनल लीगल डॉक्यूमेंट बन गया जिसके बेस पे वो आपको ड्राइव करने दे सकता है। थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है आइडिया, ठीक है। तो कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी वो पुलिस है और कंप्लायंस पॉलिसी वो ड्राइवर लाइसेंस है कि आपका डिवाइस अब पूरी तरह से कंप्लायंट हो गया है, मतलब आपके डिवाइस में एंटीवायरस है, फायरवॉल है, वगैरह वगैरह, और आपके डिवाइस को एक सर्टिफिकेट मिल गया, एक ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया कि हाँ आपका डिवाइस अब सेफ है। और फिर जब आप एक्सेस करते हो कुछ सेंसिटिव डेटा को कंपनी में,
तो फिर कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी दोबारा से वहां पर खड़ा होगा पुलिस की तरह कि एक मिनट रुको, दिखाओ कि क्या आप कंप्लाइंट हो कि नहीं, अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ, हो सकता है आप ना हो, सकता हो, बट मुझे देखना है। उस वक्त कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी फिर ये चेक करेगा कि आपका डिवाइस कंप्लाइंट है, अगर होगा देन वो आपको एक्सेस देगा जो भी डेटा है। अब आई थिंक धीरे 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 आपको क्लियर हो रहा होगा कॉन्सेप्ट, नहीं हो रहा कोई बात नहीं, हम आगे कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे, फिर आपको आगे आगे और पता लगेगा कि क्या कर रहे हैं हम, कैसे कर रहे हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। सबसे पहले तो कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी जो है वो एक एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी का कंपोनेंट है, बट ये साथ के साथ काम करता है इंट्यून और कंप्लायंस पॉलिसी के साथ। एक्चुअली इंट्यून जो है वो एज्योर प्लेटफॉर्म को यूज करता है, लेकिन इंट्यून खुद में एक अलग बिल्डिंग है, जैसे सब लोग एक सेक्टर के अंदर है, ठीक है। सेक्टर जैसे हमारे इंडिया में कहते हैं कि एक स्पेसिफिक सेक्टर 16, सेक्टर 17, वो एक पीस ऑफ लैंड है, उस पीस ऑफ लैंड में कुछ दुकानें हैं, कुछ घर हैं। ऐसे ही एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी वो पूरी लैंड है, वो एक सेक्टर है, ठीक है। उसके ऊपर आप इंट्यून भी बना सकते हो, आप कुछ घर भी बना सकते हो, और उसके ऊपर आप कुछ शॉप्स भी बना सकते हो, उसके ऊपर आप कुछ और कंपोनेंट्स भी बना सकते हो जैसे कंडीशनल एक्सेस है। सो कंडीशनल एक्सेस एक एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी का कंपोनेंट है, बट इट वर्क्स इन कंजंक्शन विद इंट्यून एंड कंप्लायंस पॉलिसी। कंप्लायंस पॉलिसी पार्ट है इंट्यून का। अब कंडीशंस लाइक क्या, कैस किस तरह की कंडीशंस हो सकती हैं उसके ऊपर, कि हम आपको एक्सेस तभी देंगे कॉरपोरेट ईमेल्स का जो आपके कंपनी के ईमेल्स हैं, अगर आप उन कंडीशंस को पास कर लेते हो, उस कंडीशंस को फॉलो कर लेते हो जो आपके डिवाइसेस को कंप्लायंट बनाती है। जैसे एंटीवायरस, अगर आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस है, ओके, आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस है, आप ट्राई कर रहे हो एक्सेस करने का अपने कॉर्पोरेट ईमेल्स, कंडीशनल एक्सेस पॉलिसीज वहां पर आएंगी, चेक करेंगी ओके कि आपका डिवाइस कंप्लायंट है कि नहीं है, कंप्लायंट पॉलिसी में क्या कन्फिगर है, एंटीवायरस ओके, एंटीवायरस ऑन है ओके, डन, देन आपको एक्सेस मिलेगा आपके कॉर्पोरेट ईमेल्स का। नाउ लेट्स से अगर आपका डिवाइस कंप्लायंट नहीं है, फॉर एग्जांपल एंटीवायरस ऑन नहीं है, तब क्या होगा, तब बात आएगी चलान कटने की, ठीक है। अगर आपको पुलिस वाले ने रोका और आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो और आपके पास लाइसेंस नहीं है तो चलान ही होता है, करेक्ट, या फिर गाड़ी इंपाउंड हो जाती है अगर आपके पास गाड़ी के पेपर्स वगैरह भी नहीं है तो। सो सेम चीज यहां पर भी होगा, मतलब आपको गाड़ी का एक्सेस नहीं दिया जाएगा, आपको आपको डेटा का एक्सेस नहीं मिलेगा। अगर आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस अनेबल नहीं है, आपका डिवाइस ट्राई कर रहा है ईमेल को एक्सेस करने के लिए, तो कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी रोकेगा आपको, ओके वेट, क्या आपका डिवाइस एंटीवायरस अनेबल्ड है कि नहीं, और अगर आपका नहीं होगा तो कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी वहीं पर ही रोक देगा। वो आपको बोलेगा सबसे पहले अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस ऑन करो, देन मेरे पास दोबारा से आना। ये है काम कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी का, और इस वजह से कंप्लायंस पॉलिसी और कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी दोनों साथ में काम करते हैं। लेकिन कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी में सिर्फ एंटीवायरस या फायरवॉल नहीं है, इसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं जिसके थ्रू आप कंडीशनल एक्सेस पॉलिसीज को काम में ला सकते हो, जिसका दूसरा बड़ा सबसे जो मेन कंपोनेंट है कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी का, वो है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। जैसे कि अगर आपको अपना ईमेल एक्सेस करना है, मान लिया आपका डिवाइस कंप्लायंट है, फाइन, लेकिन सबसे पहले तो आपको अपना पासवर्ड देना पड़ेगा ईमेल आईडी ईमेल को एक्सेस करने के लिए, लेकिन साथ ही साथ आपको अपना मोबाइल से भी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन या ओटीपी या कॉल से भी आपको वेरीफाई करवाना पड़ेगा। ये भी काम कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी, क्योंकि भी कंडीशन है कि सबसे पहले क्या आपका डिवाइस कंप्लायंट है, हाँ है, मेरे डिवाइस में एंटीवायरस है। दूसरा, क्या आप ही वो बंदे हो जो इस ईमेल को एक्सेस कर रहे हो, कैसे बताओगे, मेरे पास पासवर्ड है, ओके पासवर्ड है तो क्या हो, पासवर्ड हैक हो जाते हैं। क्या आप ही वो बंदे हो जिसके पास वो फोन नंबर है जो इस ईमेल आईडी के साथ कनेक्टेड है, दैट्स वेयर कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी कम्स इन पिक्चर। हम इसके अंदर डिटेल में जाएंगे डेमो के अंदर, जब हम रिव्यू करेंगे, जब हम कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी को क्रिएट करेंगे, तब आप देखेंगे वहां पर कि क्या क्या कंडीशंस और हो सकती हैं। सो जैसा कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है, कंप्लायंट कैन इंक्लूड द डिवाइस नीड्स टू हैव फायरवॉल और एंटीवायरस एनेबल्ड। अब ये है वो
स्क्रीन जिसके थ्रू आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग सकता है कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सो फॉर एग्जाम्पल, ये आप हो यूजर, ठीक है, और ये आपका डिवाइस है, रियल टाइम रिस्क एप्लीकेशन, ये सब की सब चीजें एक क्लाउड के अंदर सेव है। क्लाउड मतलब क्लाउड प्लेटफॉर्म, एज्योर प्लेटफॉर्म, इंटरनेट इन शॉर्ट। सो चाहे वो आपका डिवाइस हो, कोई भी यूजर हो, कोई भी लोकेशन हो, एप्लीकेशन हो, उसके हिसाब से कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी बिहेव करेगा। सो ये जो की है, ये की एक तरह से लगा लो कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी है। अब यहां है आपका डेटा, आपकी एप्लीकेशंस जो कंपनी की है, उसके बीच में आ जाती है ये की कि आपके पास इस लॉक की है, कि आपके पास इस ताले की चाबी है। वो कैसे पता लगेगा? सबसे पहले आप लॉगिन करोगे कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी पे, ताला सबसे पहले क्या होगा आपके पास? पासवर्ड, ठीक है। आप पासवर्ड डालोगे, ये एक चाबी है मेरे पास। उसके बाद अगर वहां पर पॉलिसी सिलेक्ट होगी, कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी में एक कंडीशन होगी कि आपको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी चाहिए। अगर आपके पास है तो आपको एक्सेस मिल जाएगा, अगर ये कन्फिगर नहीं है तो भी अलाउ एक्सेस मिल जाएगा। लेकिन अगर इनमें से कुछ भी चीज मिसिंग रहती है, जैसे कि आपका डिवाइस कंप्लायंट नहीं है, जैसे कि आपकी एप्लीकेशन का एक्सेस नहीं है, जैसे आपके पास रियल टाइम रिस्क आपका बहुत ज्यादा हाई है जिस लोकेशन से आप एक्सेस कर रहे हो, आपका कारण ये एक्सेस ब्लॉक हो जाएगा एप्स एंड डेटा के लिए। अब आई थिंक थोड़ा थोड़ा आपको क्लियर हो रहा होगा कि क्या कॉन्सेप्ट है कंडीशनल एक्सेस पॉलिसीज का। सो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लेन पे, जो है डेमो। तो इस डेमो के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से हम डिप्लॉय करते हैं या क्रिएट करते हैं कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी, और हम कंप्लायंस पॉलिसी के साथ इसको जोड़ते हैं, कैसे हम डिवाइस को कंप्लायंट कर सकते हैं, कंप्लायंस पॉलिसीज किस तरह की होती है। हम कंप्लायंस पॉलिसी आज क्रिएट करेंगे और हम ये करेंगे परफॉर्म विंडोज 10 डिवाइसेस के लिए। सेम चीज अप्लाई होती है एंड्रॉयड के लिए भी और iOS के लिए भी। कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी हर एक के लिए सेम है और कंप्लायंस पॉलिसी भी हर एक के लिए सेम है, बट हम इसमें सिर्फ क्रिएट करेंगे विंडोज 10 के लिए। सो आगे बढ़ते हैं हम डेमो पे। तो जैसे कि लास्ट वीडियोस में हमने देखा था डिवाइस कंप्लायंस, हम जस्ट जनरल एक ओवरव्यू किया था। इस वीडियो के अंदर हम कंप्लायंस एक पॉलिसी बनाएंगे विंडोज 10 के लिए और उसी के साथ साथ कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी को भी चेक करेंगे। अब अगेन, अगर आपको गाड़ी चलानी है तो गाड़ी चलाने से पहले सबसे पहले आपको एक लाइसेंस चाहिए होगा, राइट? तो सबसे पहले वो लाइसेंस के लिए हमें खुद को कंप्लायंट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें डिवाइस कंप्लायंस पॉलिसी बनानी पड़ेगी जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने बनाई हुई है कि आपको एक 18 ईयर से ऊपर होना चाहिए। जब आपका ड्राइविंग टेस्ट होता है, एक रिटन टेस्ट होता है, जब आप कंप्लीट कर लेते हो वो सब चीज़, तब आपको एक लाइसेंस मिलता है। सो सेम सिनेरियो को हम यूज़ कर सकते हैं डिवाइस कंप्लायंस में। तो इधर चलते हैं डिवाइस कंप्लायंस एंड देन पॉलिसीज। अब यहाँ पर एक क्रिएट करते हैं हम पॉलिसी फॉर विंडोज 10 डिवाइस। तो जब मैंने क्रिएट पॉलिसी पे क्लिक किया तो राइट हैंड साइड पे लिखा आ रहा है प्लेटफॉर्म। तो यहां पर हम प्लेटफॉर्म यूज करेंगे विंडोज 10 एंड लेटर एंड देन क्रिएट। अब यहां पर हम उसको एक जेनेरिक नाम दे देते हैं, विंडोज 10 कंप्लायंस पॉलिसी इंट्यून यूट्यूब वीडियो टेस्ट। प्लेटफॉर्म और प्रोफाइल टाइप ऑलरेडी असाइन है क्योंकि हमने इसी टेम्पलेट को यूज किया था। क्लिक करते हैं नेक्स्ट के ऊपर। अब यहाँ पर वो मुझे ऑप्शन दे रहा है कि क्या क्या चीज़ आप एक डिवाइस से करवाना चाह रहे हो। जैसे हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई, अ पर्सन नीड्स टू बी 18 ईयर्स ऑफ एज, रिटन टेस्ट क्लियर होना चाहिए, एक ड्राइव करके दिखाना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो हम यहाँ से वो चीज़ कन्फर्म कर सकते हैं, यहाँ से वो चीज़ कन्फिगर कर सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमें कॉन्फ़िगर करनी है ताकि डिवाइस कंप्लायंट हो सके। तो सबसे पहले चलते डिवाइस हेल्थ पे।
क्या हमें बिट लॉकर चाहिए डिवाइस पे? बिट लॉकर वो चीज़ है जिसके थ्रू हमारा डिवाइस एनक्रिप्ट होता है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी जस्ट जनरल एक डेमो के लिए बना लेते हैं। बट अगर आप किसी बड़ी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स बिट लॉकर वहाँ पर रिक्वायर्ड होगा। तो अभी जल्दी जल्दी चीज़ें देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं हमारे पास। तो यहाँ पर मैं एक जनरल सा एक वर्जन डाल देता हूँ 10, क्योंकि मुझे पता है कि मिनिमम ओएस वर्जन इज 10 एंड मैक्सिमम भी 10.1 लेट्स से। ओके, मोबाइल डिवाइस नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर हम यूज़ नहीं कर रहे, को मैनेज नहीं है, रिक्वायर अ पासवर्ड टू अनलॉक मोबाइल डिवाइसेस, ये हमारा मोबाइल डिवाइसेस के लिए नहीं है, एंड लेट्स से फायरवॉल नहीं, एंटीवायरस नहीं। एक काम करते हैं, एंटीवायरस कर लेते हैं, ठीक है, एंड देन नेक्स्ट। अब ये चीज़ें मैंने कन्फिगर कर दी, अगर आपको और ऑप्शंस चूज़ करने हैं, कन्फिगर करने, आप यहाँ से कर सकते हो। एडवांस थ्रेट प्रोटेक्शन भी है, बट दिस इज़ अ कम्प्लीटली सेपरेट टॉपिक, ये इंट्यून के अंडर आता ही नहीं, इट्स अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर। सो इन चीज़ों को लेके जब मैंने बता दिया कि एक डिवाइस का जो वर्जन होना चाहिए ओएस का वो 10 होना चाहिए, मैक्सिमम 10.1 होना चाहिए, लेट्स से 11 कर देते हैं इसको, मुझे पता अभी तक 11 आए नहीं, तो एनीथिंग बेटर देन 10 वुड बी ग्रेट। एंड नीचे गया तो और मैंने एंटीवायरस को रिक्वायर किया कि एक डिवाइस विंडोज 10 होना चाहिए और दूसरा एंटीवायरस एनेबल्ड होना चाहिए। तो मेरी ये दो कंडीशन है एक डिवाइस को कंप्लाइंट करने की। तो अब यहाँ पर हम करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, नेक्स्ट पे क्लिक। अब यहाँ पर वो बोला स्पेसिफाई द सीक्वेंस ऑफ एक्शंस ऑन नॉन कंप्लाइंट डिवाइस। तो जो डिवाइस नॉन कंप्लाइंट है उसके बारे में हमें क्या करना है, क्या हमें गाड़ी इंपाउंड करनी है, क्या हमें चालान काटना है, या उसको टाइम देना है, कई बार पुलिस वाले छोड़ भी देते हैं कि नेक्स्ट टाइम मत करना है, राइट। तो उसको हम यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट, सेंड ईमेल टू एंड यूजर। सेकंड, रिमोटली लॉक द नॉन कंप्लायंट डिवाइस। थर्ड, रिटायर द नॉन कंप्लायंट डिवाइस। सेंड एन ईमेल, ऑफकोर्स हमें पता ही है कि अगर आपका डिवाइस कंप्लायंट नहीं होगा तो आपको एक ईमेल आएगा आपके ईमेल आईडी पे कि आपका डिवाइस कंप्लायंट नहीं है, प्लीज़ कंप्लायंट कर लीजिए। रिमोटली लॉक, आपका डिवाइस लॉक हो जाएगा, लेकिन अगेन आप दोबारा से पासवर्ड डाल के दोबारा से आप अंदर जा सकते हो, लेकिन अगेन डिवाइस लॉक हो जाएगा। थर्ड, रिटायर द नॉन कंप्लायंट डिवाइस, मतलब आपका डिवाइस जो आपने एनरोल किया था इंट्यून में वो रिटायर हो जाएगा, वो एनरोलमेंट प्रोसेस ख़त्म हो जाएगी, आपको दोबारा से री एनरोल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका डिवाइस नॉट कंप्लाइंट स्टेट में है तो वो आपके लिए और आपके पूरे नेटवर्क के लिए एक डेंजर है, क्योंकि नेटवर्क को नहीं पता आपके डिवाइस के ऊपर क्या क्या चीज़ें हैं क्योंकि आप कंप्लाइंट नहीं हो, करेक्ट। सेम वेज अगर कोई भी बंदा सड़क के ऊपर चल रहा है, अगर उसके पास लाइसेंस नहीं है तो हमें नहीं पता उसको कितना एक्सपीरियंस है चलाने का, गाड़ी या बाइक या स्कूटर या जो भी वो चला रहा है। तो सेम चीज़ यहाँ से हम चीज़ें सेट कर सकते हैं। तो अभी हम एक क्विकली यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन डाल देते हैं, सेंड ईमेल टू एंड यूजर। अब दूसरा, शेड्यूल डेज आफ्टर नॉट कंप्लायंस। तो अब यहाँ पर तो लिखा रहा है कि मार्क डिवाइस नॉट कंप्लाइंट इमीडिएटली, तो ये उसी वक्त ही नॉट कंप्लाइंट हो जाएगा। अब यहाँ से हम मैसेज टेम्पलेट भी लगा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अच्छा मेरे पास अभी कोई टेम्पलेट है नहीं, बट एनीवेज आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हो अगर आपके पास कोई टेम्पलेट ऑलरेडी क्रिएटेड है तो। रेसिपियंस, अगर आपको किसी को ऐड करना हो, फॉर एग्जाम्पल आप खुद एक यूज़र हो, तो मैंने एक बनाया था सेंडर साइट का, आप इसको ऐड कर सकते हो। तो मतलब क्या, अगर किसी भी यूज़र को ये नॉट कंप्लायंट ईमेल जाएगा तो इस यूज़र को भी जाएगा साथ में, ताकि इसको भी पता लगता रहे कि हमने ये ईमेल इस यूज़र को भेजा, इसका डिवाइस नॉट कंप्लाइंट है। जब हमारी ये इन्फॉर्मेशन सब सिलेक्ट हो जाए, देन वी कैन गो टू द नेक्स्ट स्टेट। अभी इस स्पेसिफिक डेमो के लिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, अभी सिर्फ मेरा इन्फॉर्मेशन वहीं तक ही है कि मार्क डिवाइस नॉट कंप्लाइंट इमीडिएटली एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। स्कोप टैग्स, स्कोप टैग्स वो है कि इसका क्या स्कोप है।
इस स्पेसिफिक प्रोफाइल का क्या स्कोप है कि कितने यूजर्स के पास जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर एक यूज़र है वो आईटी डिपार्टमेंट से है तो उस आईटी डिपार्टमेंट वाले यूज़र को मैं एक स्कोप टैग के थ्रू टैग कर सकता हूँ कि वो आईटी डिपार्टमेंट से। ऐसे ही मैनेजमेंट वालों को मैं मैनेजमेंट के साथ टैग कर सकता हूँ और वो टैग्स को मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। इसके बारे में आप अलग से पढ़ सकते हैं, ऑफिशियल आर्टिकल्स बहुत अवेलेबल हैं सिंपल में, बट सेम बिल्कुल सेम तरीका वही है जो हमने लास्ट कुछ वीडियोस में ग्रुप्स बनाए थे। जैसे हमने ग्रुप बनाया था विंडोज 10 के लिए, वही सेम चीज़ स्कोप टैग्स का, वो भी आपको एक स्कोपिंग मैकेनिज्म यूज़ करता है कि ये आईटी डिपार्टमेंट का है, ये यू नो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का, ये अकाउंट डिपार्टमेंट का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो अभी मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा, मेरे पास एक ग्रुप है जो मैंने लास्ट वीडियो में बनाया था और जिसका पर्पस वही है, तो अभी इसको मैं स्किप करके नेक्स्ट कर देता हूँ। एंड यहाँ पर असाइनमेंट कि मैं ये वाली जो कंप्लायंस पॉलिसी किसको असाइन करूँगा, तो मैं यहाँ पर उस ग्रुप को ऐड करूँगा जो मैंने बनाया था, जो कि है विंडोज 10। एंड सिलेक्ट करने के बाद अगेन नेक्स्ट, तो ये आ जाती है पूरा का पूरा समरी जो हमने क्रिएट किया था। नेम इसका है विंडोज 10 कंप्लायंस पॉलिसी, डिस्क्रिप्शन हमने ऐड किया था प्लेटफॉर्म इज विंडोज 10, मिनिमम ओएस वर्जन इज 10, मैक्सिमम ओएस वर्जन इज 11, एंटीवायरस इज रिक्वायर्ड, एंड इफ दिस स्पेसिफिक सिक्योरिटी डज नॉट मीट द रिक्वायरमेंट, अगर मेरे डिवाइस पे एंटीवायरस अनेबल नहीं है तो मेरा डिवाइस इमीडिएटली नॉट कंप्लायंट हो जाएगा और मैं यही चाहता हूँ। तो जैसे ये हो जाए मैं इसको क्रिएट कर लूँगा। अब यहाँ पर मैंने ये प्रोफाइल क्रिएट कर ली, इसको अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा कंप्लीट, यू नो चेक करने के लिए कौन से डिवाइस कंप्लाइंट है कौन से नहीं है वगैरह वगैरह। सो अभी हम चलते हैं प्रॉपर्टीज में, दोबारा से हमारा इंक्लूडेड ग्रुप्स है, सब कुछ परफेक्टली असाइंड है, तो कंप्लायंस पॉलिसी हमने बना ली है। अब चलते हैं दोबारा से इनट्यून पे। अगर आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हमने डिवाइस एनरोल किया था विंडोज 10, अब उस विंडोज 10 डिवाइस पे हम चलते हैं। सो ये है वो विंडोज 10 डिवाइस जिसको हमने लास्ट वीडियो के अंदर एनरोल किया था, क्विकली चेक कर लेते हैं। सो हमने लास्ट टाइम एनरोल किया था अकाउंट्स में जाके, सो आप इधर से भी जा सकते हैं चेंज अकाउंट सेटिंग्स, ये शॉर्टकट है। अगर आपको पूरा वर्कफ्लो देखना है तो हम जाएंगे सेटिंग्स पे, सेटिंग्स पे जाने के बाद अकाउंट्स पे एक्सेस वर्क और स्कूल, और ये है वो अकाउंट जो हमने यूज किया था विंडोज 10 एट जो भी आपका टेनेंट का आईडी है। सो जब मैं इन्फो पे जाऊंगा तो यहां पर मैं क्लिक करूंगा सिंक। सिंक का मतलब ये है कि जो भी मैंने नई पॉलिसीज बनाई हैं, चाहे वो कंप्लायंस पॉलिसी हो, डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसी हो या कुछ भी हो, वो वापस मेरे कंप्यूटर के साथ चेक करे क्या मेरे पास सब चीज़ें अप टू डेट हैं या नहीं। अगर नहीं होंगी तो ये एक्सेप्ट कर लेगा वो जो नए चेंजेस हैं। जैसे अभी हमने कंप्लायंस पॉलिसी जस्ट बनाई ही थी, तो ये सिंक करने के बाद अब मेरा डिवाइस रिपोर्ट करेगा इनट्यून सर्विसेज के पास कि हाँ मैं ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ और अब आप मेरे डिवाइस को रिपोर्ट कर सकते हो या चेक कर सकते हो क्या मेरा डिवाइस विंडोज 10 है या मेरे डिवाइस में एंटीवायरस एनेबल्ड है कि नहीं। तो क्विकली चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम चेक करते हैं इस डिवाइस का नाम क्या है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होगा जब हम इनट्यून पोर्टल पे जाएंगे चेक करने के लिए इस डिवाइस का कंप्लायंस स्टेटस। तो उसके लिए हम जा सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट एंड यहाँ पर हमें जाके लिखना है होस्ट नेम। होस्ट नेम आपका एक डिस्प्ले नेम है डिवाइस का, तो यहाँ पर है HIJANG 757VM, ये एक वर्चुअल मशीन है इस वजह से इसके आगे VM लिखा हुआ है, तो 757 वो नंबर है इस स्पेसिफिक डिवाइस का। इसको आप क्लोज करते हैं एंड अब चेक करते हैं मेरे डिवाइस का वर्जन क्या है, मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन क्या है। तो उसके लिए कमांड है WINVER विंडोज वर्जन। तो जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये मुझे दिखा रहा है कि मैं यूज कर रहा अभी
वर्जन 1903, ओएस बिल्ड 1018.362.720 वगैरह वगैरह। तो ये विंडोज 10 का एक अपना वर्जन है। बट एनीवेज, मेरा डिवाइस विंडोज 10 है एंड आई थिंक दैट गोज वेल विद द कंप्लायंस पॉलिसी। तो अब हम इसको कर देते हैं ओके। तो ये दो चीज़ें हमें चेक करनी थी। अब तीसरी चीख है, चीज़ है एंटीवायरस। हो जाता है थोड़ा बहुत कभी कभी, कोई बात नहीं, एंटीवायरस। सो एंटीवायरस हमें अब चेक करना है यहाँ पर, क्या मेरा एंटीवायरस इनेबल्ड है या नहीं। सो बाय डिफॉल्ट विंडोज 10 के अंदर एंटीवायरस होता है, ठीक है, और वो है विंडोज डिफेंडर। तो अभी इसने चेक किया है करंट स्टेटस, नो करंट थ्रेट्स, 18 अप्रैल को लास्ट ये स्कैन हुआ। तो मैं इसको कंप्लीटली दोबारा से क्विक स्कैन कर सकता हूँ ताकि इसका एक नया टाइम स्टैम्प बन जाए। तो ऑल इन ऑल मेरा डिवाइस हर वो एक चीज़ कंप्लायंस के हिसाब से जाता है जो मैंने उस कंप्लायंस पॉलिसी में कन्फिगर करी है। तो मेरा डिवाइस उस हिसाब से कंप्लाइंट होता है। अब वापस चलते हैं इंट्यून पोर्टल पे। सो नाउ बैक टू इंट्यून पोर्टल। अब इंट्यून पोर्टल पे हमें चेक करना है उस डिवाइस के बारे में। तो अगर हम यहाँ पर जाएं लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पर डिवाइसेस का सेक्शन है। तो हम इस डिवाइसेस पे क्लिक करेंगे एंड फिर हम क्लिक करेंगे ओल्ड डिवाइसेस पे। और अगर आपको याद हो, जो डिवाइस हम यूज कर रहे थे उसका नाम था HIJANG 757VM, managed by Intune। मतलब ये MDM जो यूज कर रहा है डिवाइस वो है Intune, ownership है personal, compliant। ये है वो चीज जो हमें स्पेसिफिकली चेक करनी है। मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन क्या है, 10.0.18362.720, लास्ट चेक इन है आज की डेट, और एनरोल्ड बाय यूजर विंडोज 10 एट M365X619075, जो भी आपका UPN है। तो इस पर क्लिक करते हैं। सो यहां पर भी अगर हम सी मोर पे क्लिक करेंगे तो डिवाइस मेरा कंप्लायंट है, ठीक है। और अगर आपको और डिटेल में जाना है तो हम यहां पे डिवाइस कंप्लायंस में जाके चेक कर सकते हैं उस डिवाइस कंप्लायंस पॉलिसी के बारे में जो हमने क्रिएट करी थी। तो ये वाली हमने क्रिएट करी थी और ये वाली बिल्ट इन ऑलरेडी है। तो बिल्ट इन डिवाइस कंप्लायंस पॉलिसी में क्या क्या, एनरोल्ड यूजर एग्जिस्ट, क्या हमारा विंडोज 10 जो यूजर अकाउंट है क्या वो एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल करता है, इसलिए यहाँ पर ग्रीन चेक है। क्या इस डिवाइस के ऊपर कोई एक कंप्लायंस पॉलिसी असाइंड है, है, इसलिए ग्रीन चेक। क्या वो डिवाइस और यूजर एक्टिव है, यस, ग्रीन चेक। अब चलते हैं दूसरी कंप्लायंस पॉलिसी पे जो हमने क्रिएट करी थी, वो है विंडोज 10 कंप्लायंस पॉलिसी। क्लिक करते हैं, क्या एंटीवायरस है, चेक, ग्रीन चेक। OS वर्जन क्या मैक्सिमम मैं यूज कर रहा हूं 11 से नीचे, यस, ग्रीन चेक। क्या मिनिमम OS वर्जन 10 से ऊपर है, यस, ग्रीन चेक। सो इस तरह से मेरा डिवाइस कंप्लायंट स्टेट में जाता है। तो आप यहां पर जाके चेक कर सकते हो क्या आपका डिवाइस कंप्लायंट है कि नहीं, या आप ओवरव्यू में जा सकते हो, यहां पे कंप्लायंस चेक कर सकते हो कि आपका डिवाइस कंप्लायंट है कि नहीं, या फिर आप डिवाइसेस सेक्शन में जाके, अगर आपको उस डिवाइस का नाम पता है तो आप यहां पर भी चेक कर सकते हो कि आपका डिवाइस कंप्लायंट है कि नहीं। अब आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया, अब आप जाओगे रोड पे चलाने के लिए, आपको कहीं पहुंचना है, और वो कहां पहुंचना है, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में एप्लीकेशंस तक। और जैसा कि मैंने कहा था कि कुछ लॉज और रूल्स होते हैं, जो पुलिस वगैरह होती है वो होती है कंडीशनल एक्सेस पॉलिसीज। अब बात करते हैं कंडीशनल एक्सेस पॉलिसीज के बारे में। सो अगर मैं इसी लेन में जाऊं तो आपको यहां पर दिखेगा कंडीशनल एक्सेस, इस पे अब क्लिक करते हैं। आई नो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी है बट ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको कुछ भी ना समझ आए प्लीज़ इस वीडियो को पॉज कीजिए, दोबारा देखिए और फिर आगे जाइए। जब तक कंप्लायंस पॉलिसी का कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आता, प्लीज़ डू नॉट यू नो कंटिन्यू,
पहले वो वीडियो देखिए कंप्लीट जो इसकी हाफ वीडियो है, फिर यहाँ पर दोबारा से स्टार्ट करें। मैं 5 सेकंड तक वेट करता हूँ, देन विल स्टार्ट। ऑलराइट, आई होप आप सबने वो पिछले वाली वीडियोस देख ली होगी। नहीं देखी या आपको समझ आ गई या आप बाद में देखना चाहते हो, इट्स फाइन। लेट्स स्टार्ट विद कंडीशनल एक्सेस पॉलिसीज। तो यहाँ पर अब क्लिक करते हैं न्यू पॉलिसी पे। कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी वो है जो एक तरह से पुलिस का काम करती है कि क्या आपका डिवाइस कंप्लाइंट है, क्या आपका डिवाइस सेफ है, इंटरनल नेटवर्क पे सेव हुए सेंसिटिव डेटा को एक्सेस करने के लिए। ओके, तो क्लिक करते हैं न्यू पॉलिसी पे। इसको कंप्लाइंस कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी को हम नाम दे देते हैं क्विक, जैसे कि विंडोज 10 कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी। अब नेक्स्ट है असाइनमेंट। आप किस यूजर या किस ग्रुप के ऊपर ये पॉलिसी लगाना चाह रहे हो? तो हमने एक ग्रुप बनाया था विंडोज 10, हम वही यूज करेंगे। अब यहां पर नन लिखा हो, नन बाय डिफॉल्ट कनेक्टेड है, ऑल यूजर्स सारे के सारे यूजर्स, या फिर यूजर्स एंड ग्रुप्स, हम इसके ऊपर अभी फोकस करें। तो सिलेक्ट करते हैं और यहां पर हम सर्च करेंगे विंडोज 10 को, और ये है हमारा ग्रुप। ये वाला ग्रुप नहीं है, हमारा यूजर अकाउंट है, इसलिए इसके साथ पूरा का पूरा यूपीएन सिलेक्टेड है। तो अभी हम इसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे, डन। अब ये तो हो गया कि हमने कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी को नाम दे दिया। एक ग्रुप डिफाइन करते कि इस ग्रुप के ऊपर ये कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी अप्लाई होगी। अब है क्लाउड एप्स कि आप कौन सा वो आपका सेंसिटिव डेटा है, कौन सा वो आपका इम्पोर्टेंट कॉरपोरेट डेटा है जिसको आप प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो, जहाँ जिसके बाहर आप सिक्योरिटी गार्ड को खड़ा करना चाह रहे हो, जो आपके डिवाइस से पूछेगा क्या आपका डिवाइस कंप्लाइंट है कि नहीं, क्या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं। तो क्लाउड ऐप्स पे जाएंगे तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो ऑल क्लाउड ऐप्स कर लो, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जैसा कि यहाँ पर एक मैसेज भी लिखा रहा है, डोंट लॉक योर सेल्फ आउट, दिस पॉलिसी इम्पैक्ट्स the Azure portal before you continue and show that you or someone else will be able to get back into the portal। क्योंकि हमने सिर्फ एक ही ग्रुप इसके अंदर ऐड किया है, तो ऑफ कोर्स इसके अंदर इम्पैक्ट बहुत कम होगा, लेकिन स्टिल हम सिलेक्ट ऐप्स को यूज़ करके स्पेसिफिक क्लाउड एप्लीकेशंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। और वो कौन कौन सी क्लाउड एप्लीकेशंस है? वही जो हमें ऑफिस 365 पे मिलती है, जैसे कि ऑफिस 365, जैसे कि क्लाउड ऐप सिक्योरिटी, जैसे कि फॉर्म्स, फ्लो, माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून, इंट्यून एनरोलमेंट, माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रीम, टीम्स और एक्सचेंज ऑनलाइन जो आपके ईमेल्स है, शेयरपॉइंट ऑनलाइन, वन ड्राइव एंड शेयरपॉइंट ऑनलाइन, यामर, आउटलुक ग्रुप्स। तो ये सब की सब एप्लीकेशंस आप ऐड कर सकते हो जो आपको लग रहा है आपके कंपनी के लिए सेंसिटिव है। तो मेरी कंपनी के लिए सारी चीज़ें सेंसिटिव हैं इस वक्त, तो मैं डेमो पर्पस के लिए भी इसको यहाँ पर यूज़ करूँगा। मैं इसको करता हूँ अब सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको करूँगा अब डन। अब ये वाली है क्लाउड एप्लीकेशन, मैंने सिलेक्ट कर दी कि इस यूज़र के ऊपर मैंने कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी अप्लाई कर दी। अब इस ग्रुप के अंदर जोन जोन से यूज़र्स हैं, जब वो इन क्लाउड एप्स को एक्सेस करने का ट्राई करेगा तो क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो यहां से हम कंडीशंस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सबसे पहला साइन इन रिस्क। साइन इन रिस्क बेसिकली होता है कि अगर आप किसी और लोकेशन पे हो और आपका आईपी एड्रेस किसी और लोकेशन पे है, बहुत कॉमन है ये जब आप कोई वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यूज़ करते हो या कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, होता है। तो उस केस में कई बार ये हाई मीडियम जो लो रिस्क वाले भी डिवाइसेस होते हैं वो भी हाई रिस्क में दिखाता है। ये थोड़ी सी डिफरेंट पॉलिसी है या डिफरेंट कंडीशन है, इसको बहुत सारी कंपनीज़
नहीं यूज करती क्योंकि इसमें फॉल्स पॉजिटिव्स बहुत ज्यादा आते हैं, बट अगर आपकी कंपनी चाहती है गो फॉर इट, आप इसको कन्फिगर कर सकते हो। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप इस आई के बटन को यूज की करो और यहां से आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, डिवाइस प्लेटफॉर्म, कि ये पॉलिसी किस किस डिवाइस प्लेटफॉर्म पे अप्लाई होनी चाहिए। हमने ये बनाई है विंडोज 10 के लिए, तो हम कन्फिगर करेंगे इसको और सिलेक्ट करेंगे डिवाइस प्लेटफॉर्म विंडोज। अगर आप चाहो तो एंड्रॉयड और आईओएस के लिए भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप एक कंप्लायंस पॉलिसी को, एक कंडीशनल एक्सेस पॉलिसीज को सॉरी अप्लाई कर सकते हो हर एक प्लेटफॉर्म के लिए। लेकिन अभी इस डेमो के लिए लेट्स जस्ट यूज फॉर विंडोज, बट सेम लॉजिक अप्लाई होता है एंड्रॉयड आईओएस के लिए भी। अब है लोकेशंस, कि किस किस लोकेशन से जब आप इस चीज को एक्सेस करोगे, इन लोकेशन को एक्सेस करोगे, इन क्लाउड एप्लीकेशन को एक्सेस करोगे, वो ट्रस्टेड लोकेशन होगी कि नहीं, या वो मतलब एक्सेस देगा कि नहीं। फॉर एग्जांपल, आपको पता होगा कि बहुत सारी इंडिया के अंदर यू नो अलग अलग तरह के परमिट्स होते हैं, कि आपको डिस्ट्रिक्ट का परमिट है, स्टेट परमिट है, या ऑल इंडिया परमिट है। तो आपने बहुत सारे ट्रक्स देखे होंगे जहाँ पर लिखा होगा ऑल इंडिया परमिट, तो उनको पूरे इंडिया में कहीं पर भी जाने का अलाउड है, उनको हर जगह जाने का परमिट है। लेकिन अगर आपके पास एक स्पेसिफिक परमिट है सिर्फ स्टेट का, और अगर आप अपने ट्रक को लेके जाते हो कहीं बाहर स्टेट में, अगर पंजाब का ट्रक हरियाणा में जाता है, तो दिस इज नॉट राइट। अगेन आपका चलान हो सकता है, आपकी गाड़ी इंपाउंड हो सकती है। सो वही सेम लोकेशंस यहां पर भी हम अप्लाई कर सकते हैं, वही सेम लॉजिक, कि अगर कुछ लोकेशंस हैं जो आपको लगता है कि सेफ है, फॉर एग्जांपल अगर आप कंपनी के अंदर ही हो और आपके कंपनी के अंदर कुछ एक स्पेसिफिक आईपी रेंज आप यूज कर रहे हो, इंटरनेट प्रोटोकॉल रेंज, आईपी एड्रेस जिसको बोलते हैं, अगर आप उनको सेफ मानते हो तो आप उसको एज ट्रस्टेड लोकेशन ऐड कर सकते हो। अगर नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, मैं क्विकली आपको दिखा देता हूं किस तरह का दिखता है ऑल ट्रस्टेड लोकेशन, सिलेक्ट लोकेशंस। तो यहां पर मैं वो MFA ट्रस्टेड आईपीज जो अभी हमने बात किया, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ट्रस्टेड आईपीज को मैं ऐड कर सकता हूं, बट अगेन दैट डिपेंड के रिक्वायरमेंट क्या है। सो अभी इसको हम कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे, ये हमारा अभी टॉपिक नहीं है, ना ही हमारी रिक्वायरमेंट है, बट ये सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये ऑप्शन अवेलेबल है अगर आपकी कंपनी को चाहिए हो तो। अब बात करते हैं क्लाइंट एप्स, ये मोबाइल प्लेटफॉर्म्स के लिए ज्यादा है, सो लेट्स नॉट गो देयर, एंड सेम गोज फॉर डिवाइस स्टेट, इसको भी अब ज्यादा भी डिस्कस नहीं करेंगे। सो अगेन, हमने इन सर्विसेज को सेंसिटिव डेटा मार्क किया है। कंडीशन हमारी सिर्फ एक है कि डिवाइस प्लेटफॉर्म होना चाहिए विंडोज। अगर इन किसी भी प्लेटफॉर्म से आपका विंडोज 10 का यूजर या वो ग्रुप ट्राई करता है एक्सेस, इनको एक्सेस करने के लिए एंड्रॉयड या iOS, वो ब्लॉक हो जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ विंडोज 10 के थ्रू ही एक्सेस कर पाएगा। अब करते हैं एक्सेस कंट्रोल ग्रांट, कि कब इस स्पेसिफिक रिक्वेस्ट को एक्सेस ग्रांटेड होगा। यहां पर बात आ जाती है that required device to be marked as compliant. ये है वो conditional access policy, ये है वो condition. आप multi-factor authentication भी use कर सकते हो, जो मैं बता रहा था शुरू में, अगर आपको phone number के through OTP generate करवाना है, या call के through आपको verify करवाना है right person, तो आप वो भी कर सकते हो, but यहाँ पर आपकी compliance policies साथ में आती है conditional access policies के। तो हम इसको आप क्लिक करते हैं सिलेक्ट एंड करते हैं क्रिएट। अब हमारी ये पॉलिसी क्रिएट हो गई है, ठीक है, और इसको हम एनेबल भी कर देते हैं। सो ये पॉलिसी अब क्या कह रही है, अगर विंडोज 10 यूजर एक्सेस करता है किसी भी सर्विस जो यहां पर लिस्टेड है, उसको एक कंडीशन पहले फॉलो करनी पड़ेगी, वो क्या, कि उसका डिवाइस विंडोज होना चाहिए।
iOS नहीं चलेगा, विंडोज फोन नहीं चलेगा, एंड्रॉयड नहीं चलेगा, मैक ओएस भी नहीं चलेगा, सिर्फ चलेगा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर उसका विंडोज है तो क्या उसको एक्सेस ग्रांट मिलेगा? कब? जब उसका विंडोज डिवाइस कंप्लायंट होगा, तभी वो पर्सन एक्सेस कर सकता है डेटा ऑफिस 365 का, चाहे वो शेयरपॉइंट ऑनलाइन हो, चाहे वो उसकी ईमेल्स हो, चाहे वो स्ट्रीम हो, या कोई भी सर्विस हो जो हमने यहाँ पर सिलेक्ट करी है। आई होप आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा कि कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी और कंप्लायंस पॉलिसीज कैसे काम करती है। तो अगेन दोबारा चलते हैं इंटून पॉलिसी पे। तो जब कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी अप्लाई होगी, जब आपका यूजर विंडोज 10 यूजर एक्सेस करेगा ईमेल्स को, तो कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी रोकेगी उसे, उससे पूछेगी क्या आपका डिवाइस विंडोज है जो हमने कंडीशन डाली थी। तो यहां पर वो चेक करेगा 757 डिवाइस, हाँ वो विंडोज है, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है, विंडोज 10 है। दूसरा वो बोलेगा क्या आपका डिवाइस कंप्लायंट है, यस मेरा डिवाइस कंप्लायंट है, और उसके बाद उसे एक्सेस मिलेगा। तो ये काम करता है इंट्यून, आपके इंटरनल नेटवर्क को, इंटरनल डेटा को सिक्योर करना इंट्यून का काम है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन धीरे धीरे जब आप हर एक चीज़ के कॉन्सेप्ट समझ लेते हो तो ये सब की सब चीज़ें क्लियर होने लग जाएंगी। सो आई होप आपके लिए ये वाला वीडियो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशनल हो। मैंने बहुत सारी चीज़ें बार बार रिपीट इसीलिए करें क्योंकि मैं ये बिल्कुल बिगिनर लेवल से स्टार्ट करना चाह रहा था, जिन लोगों को बिल्कुल नॉलेज नहीं है। अगर आपको कम टाइम में समझ आ गया, वेरी गुड। अगर आपको लग रहा है कि मैं बार बार चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ, आई एम सॉरी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं इसको रिपीट कर रहा था। बट अगेन एनीवेज बने रहिए इंट्यून सीरीज़ के साथ, इस चैनल के साथ। इंडियन इन चाइना बहुत सारी नई वीडियोज़ आने वाली हैं। प्लीज़ कॉमेंट करके बताइए अगर आप कुछ और देखना चाह रहे हो, यू नो टेक रिलेटेड, विंडोज़ का, इंट्यून का, या चाइना के बारे में आपको जानना चाह रहे हो, प्लीज़ लीव अ कॉमेंट। मैं ट्राई करूँगा उसके बारे में आपको बताने का। टिल देन सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।